क्या आप इस तरह के ईयरबड्स यूज करते हो? जरूर कर रहे होंगे यार, आजकल कौन नहीं करता। जरूर आपके पास इस तरह का कोई भी ईयरबड होगा, ये ईयरबड नहीं, कोई दूसरा ब्रांड का होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप इसे चार्ज कैसे करते हो, मैं वही पूछना चाहता हूँ। जरूर कमेंट में बताना, मैं दिखा रहा हूँ आपको दो मेथड दिखाऊंगा, दोनों में से कौन सी तरीके से आप चार्ज करते हो वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो आपको पहले दिखा रहा हूँ कैसे करते हो। सपोज ये ईयरबड, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ईयरबड्स अंदर है, आप देख रहे हैं, ईयरबड्स दोनों ऐसे चार्जिंग केस पे लगाया, ठीक है, बंद किया, अब इसे चार्ज पे लगाया, ऐसे लगा के ऐसे लगाया, ऐसे चार्ज हुआ, देख रहे हैं आप। तो ऐसे चार्ज करते हो आप, या दूसरा तरीका देखिए, ये सब खोल लेते हैं पहले, सेकेंड मेथड बताऊंगा फिर। सेकेंड मेथड है कि मैं ईयरबड्स को ले गया, इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं ईयरबड्स, ठीक है, मैं ईयरबड्स कान पे लगा लिया, अब चार्जिंग कैसे है, सिर्फ इसमें ईयरबड्स नहीं है, ये लगाया, इसको चार्ज पे लगाया, बस इसमें ईयरबड्स नहीं है। ये दोनों जो मेथड दिखाया, ये दोनों में से आप कौन से तरीके से चार्ज करते हो, कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलते हैं ये वीडियो में। तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है आपको कि दो तरीके हैं चार्ज करने के लिए, लेकिन आपको बताना है कौन सा तरीका आप करते हो। मैं आज यहाँ पे बताऊंगा कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है या सही है, कौन सा तरीका बेस्ट है। आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्या है, किसी भी तरीके से करो यार ऐसा क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन सा तरीका बेस्ट है, जो पहला तरीका है या दूसरा तरीका, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और कमेंट करके कहना है यार आप कैसे चार्जिंग करते हो। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आप कैसे करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप समझ जाओगे आगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। चलते हैं, वीडियो एंड तक देखना है। जो किसी भी तरह के चार्ज करने की इस तरह का क्वेश्चन क्यों आया दिमाग में, देखिए ये जो टॉपिक है ना, कैसे चार्ज करें दोनों तरीके से, ये कोई भी मैन्युफैक्चर हो, जितना प्रीमियम ब्रांड हो, कुछ भी हो, कोई कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं किया है कि आपके ईयरबड्स ऐसे ही चार्ज करना है या इसी तरह करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और ये साइंटिफिकली लॉजिकल भी होगा, वही भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये जो बताऊंगा मैं तरीका साइंटिफिकली लॉजिकल होगा, लेकिन कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कि ऐसे करना चाहिए, ठीक है? तो चलो चलते हैं आगे। मैं दो तरीका आपको बता दिया। एक चीज होता है, हमारा जो ईयरबड्स होते हैं इनका बैटरी में बहुत लफड़ा है, वो देखने के लिए एक वीडियो है कि ईयरबड्स में बैटरी क्या है, कितना अच्छा है या बुरा है, वो चीज सारे डिस्कस हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं कहेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊंगा, हमारा जो छोटे छोटे ईयरबड्स होते हैं ना, इनमें मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ना, इससे भी छोटी छोटी बैटरी है इनमें, ईयरबड्स में। और ये जो चार्जिंग केस है, इसमें थोड़ा सा बड़ा बैटरी है, आपको तो पता चल रहा होगा, लेकिन इसको चार्ज करने में ऐसा मतलब क्या है, मतलब जैसे भी चार्ज करो। लेकिन एक चीज है, जब हम कोई भी डिवाइस हो, ईयरबड्स हो, कोई भी आपका स्मार्टफोन हो, कोई भी डिवाइस हो जिसमें रिचार्जेबल बैटरी लगा है, आप चार्ज करते हो जिसको, आप जरूर उसे महसूस किया होगा, वो गर्म हो जाता है, जब चार्ज लगाते हो तो गर्म हो जाता है, एक कॉमन चीज है। लेकिन और एक बड़ी चीज आ रहा है इसके अंदर, वो है क्विक चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग। क्विक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग आपके स्मार्टफोन में भी आ रहा है, ये डिवाइस में भी आ रहा है आजकल ना, ये सस्ती वाले डिवाइस में भी आने लगा है। तो क्विक चार्जिंग इन डिवाइस में थोड़ा उसमें भी लफड़ा है, वो लफड़े को हम देखेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे वो चेक नहीं बताएंगे। तो जो क्विक चार्जिंग है ना, वो क्या करता है, आप देखे होंगे आपका स्मार्टफोन का लिखा होगा कि 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगा, मतलब बहुत फास्ट चार्ज होगा 50% तक। इसी तरह ये ईयरबड्स में भी आते हैं। तो क्विक चार्जिंग क्या करता है, डिवाइस को बहुत जल्दी चार्ज कर लेता है, तो वो तो अच्छा है, हमें जल्दी चार्ज हो जाता है। लेकिन आप कभी महसूस किए हो या नहीं, वो नहीं कह पाऊंगा, कि जब आपका फोन क्विक चार्जिंग हो रहा होगा ना, आप छू के देखना, बहुत गर्म हो जाता है। ये सारे डिवाइस में भी आज क्विक चार्जिंग है, तो ये जब चार्ज हो गए ना, बहुत गर्म हो गए, उस तरह स्मार्टफोन जैसा गर्म नहीं हो गए, लेकिन हो गए। अब क्या हुआ, आप जब ईयरबड्स को ऐसे अंदर लगाए, ऐसे ईयरबड्स को लगाए और इसको चार्जिंग पे लगा दिया, ऐसे जब लगा दिया, चार्जिंग केस में जो बड़ा बैटरी वो चार्ज हो रहा है, उसके साथ इसमें जो छोटी छोटी बैटरी वो भी चार्ज हो रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, ये जो बड़ा बैटरी ना थोड़ा गर्म होगा, आप महसूस किए हो या नहीं चेक करना, थोड़ा गर्म होता है। जब गर्म होगा, ये तो लीड तो बंद है, जब लीड बंद है, वो गर्मी क्या होगा, अंदर ही अकुमुलेट हो जाएगा। तो ये जो बैटरी को ना,
इसके अंदर जो बैटरी है उससे हार्म करेगा, ठीक है। तो ऐसे चार्ज लगाने पर, ईयरबड्स अंदर रख के चार्ज करने पर ये छोटी छोटी बैटरी हार्म होंगे, ईयरबड्स की बैटरी। और ईयरबड्स की बैटरी अगर खत्म हो गई ना, आपका ईयरबड खत्म, आपको करना क्या है, मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको उतना सजेस्ट करूंगा कि आप जब ईयरबड्स को यूज कर रहे हो, कान पे आप लगा के ईयरबड्स यूज कर रहे हो, खाली है ये आपका चार्जिंग केस खाली है, अगर आपके पास ऑप्शन है चार्ज करने के लिए तो उसी वक्त चार्जिंग केस को चार्ज पे लगा दो, खाली चार्जिंग केस को चार्ज पे लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो हीट निकलेगा, अब तो इसके अंदर ईयरबड्स नहीं है तो उनका बैटरी कुछ उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, वो नहीं है यहाँ पे, बस। अब क्या हुआ, आप यूज कर रहे हो, ये तो चार्ज हो जाएगा उसी बीच, डेढ़ दो घंटा लेता है तो चार्ज हो गया होगा, अब ये चार्ज्ड है। अब जब आपका ईयरबड्स में बैटरी खत्म हो गया, उसको लाओ ऐसे चार्जिंग केस के अंदर सिर्फ डाल दो, ये तो ऑलरेडी चार्ज था पहले, इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं। तो इसी में क्या होगा, अब ईयरबड्स की जो छोटी छोटी बैटरी वो चार्ज होंगे, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आपका जो ईयरबड्स का बैटरी है ना ज़्यादा सेफ रहेगा। आप तो समझ गए कि जब क्विक चार्जिंग होता है ना, ये बैटरीज थोड़ा ज्यादा वार्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा ये जो बैटरी है, इनमें मैं बताया इसी तरह छोटा बैटरी है, ये सब लिथियम आयन बैटरी होते हैं, इसमें भी जो बैटरी है वो भी लिथियम आयन। अब क्या होगा, लिथियम आयन बैटरी का एक हीट जो है ना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, लिथियम आयन बैटरी को बहुत जल्दी हीट जो है वो डैमेज कर देता है, आपका बैटरी ज्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा, और हीट होगा ज्यादा तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इस तरह अगर अंदर होते हुए अगर इसको चार्ज पे आप लगा रहे हो तो हीट तो उसको मिलेगा और हीट उसे डैमेज कर देगा, बहुत जल्दी डैमेज करेगा आपका ईयरबड्स को। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इसको निकाल के जब यूज कर रहे हो उसी टाइम इसको चार्ज लगा लो, ये चार्ज हो जाएगा, इसका चार्ज खत्म हो गया, चार्ज करके आप इसको फुल चार्ज कर लिए या जो भी किए, उसके बाद जब इनको चार्ज लगाओ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए जो मैं आपको बताया ये चीज क्या गलत कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकली लॉजिकल है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो में बस इतना ही, तो इतना कहना था, ये क्वेश्चन है ना मैं बहुत जगह पे हजारों बार फेस कर चुका हूँ, बहुत लोग पूछते हैं यार ऐसे करना है या ऐसे करना है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, छोटा सा वीडियो है लेकिन आप देख लेना, काम जरूर आएगा मैं गारंटी देता हूँ। तो इस तरह का जो छोटी छोटी वीडियो है ना जो काम आता है वो वाला वीडियो मेरे चैनल में आपको हर वक्त मिलेगा, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि आपको इस तरह का वीडियो आ गया तो पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि आपको मैं सर्विस देने आया हूँ, आपका ही लाभ है इसमें, तो प्लीज इतना कर लो। और ये जो वीडियो है ना भाई शेयर कर लेना जरूर, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर किसी के पास है, मेरे पास और भी है, बहुत लोगों के पास बहुत है, तो ये थोड़ा मतलब जानने वाला चीज है और कहीं पे मेंशन नहीं है, इसलिए इसे शेयर कर लो आपके दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले, थोड़ा जो फर्क है वो जरूर रहेगा, ईयरबड्स का बैटरी आप आपका थोड़ा लंबा तो जाएगा, उसका जो बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह चार्ज करना है, ठीक है, समझ गए, तो रहता हूँ, थैंक यू।